टिशू कल्चर अब हम लोग देखते हैं टीशू कल्चर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट्स फ्रॉम ए स्मॉल पीस ऑफ प्लांट टीश्यू और सेल्स रिमूव फ्रॉम ग्रोइंग टिप्स ऑफ ए प्लांट इन ए सुटेबल ग्रोथ मीडियम कॉल्ड कल्चर सॉल्यूशन इज कॉल्ड टिश्यू कल्चर टिशू कल्चर में क्या होता है कि नया प्लांट्स आपका ग्रो करता है और वो सिर्फ आपका ग्रोइंग टिप्स ऑफ ए प्लांट प्लांट के ग्रोइंग ट्रिप से कुछ पार्ट्स ले लिया जाता है और उसे सुटेबल ग्रोथ मीडियम में कल्चर करके आपको प्लांट्स बहुत सारे जनरेट किए जाते हैं रिप्रोड्यूस किए जाते हैं जिसे कि हम लोग कहते हैं टिश्यू कल्चर द ग्रोथ मीडियम और कल्चरल सोल्यूशन इज यूज फॉर ग्रोइंग प्लांट टीशूज इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द प्रोसेस बिकॉज इट कंटेंस वेरियस प्लांट्स न्यूट्रिय इन द फॉर्म ऑफ जेली कॉल्ड अगर एंड प्लाट हारमोन्स विच आर नेसेसरी फॉर प्लांट ग्रोथ और ये जो ग्रोथ का जो मीडियम होता है इसमें हम लोग ध्यान देते हैं कि कुछ ऐसे न्यूट्रिय सबस्टांस डालें जिसको कि हम लोग जेली कहते हैं या अगर कहते हैं वो डालें तथा कुछ प्लांट हारमोन्स भी डाल देते हैं कुछ हारमोन्स भी डालते हैं ताकि ग्रोथ हो आसानी से प्रोसेस ऑफ टिश्यू कल्चर फॉर प्रोड्यूसिंग न्यू प्लांट इज कैरीड एज फॉलोज फर्स्ट पीस ऑफ प्लांट इज टेकन फ्रॉम द्वाइंट ऑफ द प्लांट टिप ऑफ द्लांट सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं इस टिश्यू कल्चर के लिए कि जो भी ग्रोइंग प्वाइंट है आपका एक प्लांट का प्लांट का ग्रोइंग प्वाइंट कहाँ होता है बर्ड में होता है, है न तो आपको एपिकल पर होता है एपिकल स्टेम पर होता है है ना तो वहां से हम लोग कुछ पीस ले लेते हैं प्लांट टिश्यू का एंड प्लेस्ड ऑन अ अस्टेराइल जेली और उसे एक जेली में डालते हैं विच कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स एंड प्लांट हार्मोन्स जो कि आपका न्यूट्रिएंट्स और प्लांट हार्मोन्स कंटेन किए रहता है जैसे देखिए हम लोग डाल दिए हैं है ना तो ये आगे की तरफ बढ़ रहा है स्टेराइल जेली में डाला हुआ है हार्मोन्स मेक द सेल्स इन प्लांट टिश्यू रैपिडली प्रोड्यूसिंग में क्या होता है कि तेजी से डिवीजन होता है और उसके बाद आपको ये शेपलेस कोई इसका एक शेप नहीं होता है और ये अस्जी से ग्रो करता जाता है बहुत सारे सेल्स में जिसको कि हम लोग कहते हैं क्या कैलस इसे क्या कहते हैं कैलस प्लाट हारमोन विच एस्टिमुलेट द कैलस टू डेवलप रूट जब हम देख लें कि कैलस डेवलप कर गया तो फिर उसे दूसरा जेली सबस्टांस में डालते हैं अनदर जेली सबस्टांस में डाले जहाँ की अलग आपको सुटेबुल मीडियम होता है जिसमें कि वो आपको डेवलप करे और प्लांट हार्मोन्स होते हैं जिसमें सबसे पहले क्या होगा कि फिर आपका रूट्स डेवलप होगा अब उस प्रत्येक कैलस में बहुत सारे आपको प्लांट्स के लिए तैयार होने शुरू हो जाते हैं और उसमें ढेर सारे प्लांट्स तैयार होते हैं जिसमें से कि रूट्स निकलते हैं द कैलस विथ डेवलप्ड रूट इज देन पुट ऑन एट अनदर जेली कंटेनिंग डिफरेंट हार्मोन्स विच स्टमुलेट द डेवलपमेंट ऑफ सूट्स और जब यह रूट डेवलप हो जाता है तो उसके बाद फिर हम उसे क्या करते हैं दूसरे आपको जार में डालते हैं जहाँ पे दूसरा जेली होता है जो कि आपको उस जेली में वो न्यूट्रियसटांस और हार्मोन्स होते हैं जो कि आपको सूट के डेवलपमेंट में मदद देते हैं तो वो अब क्या करेंगे सूट के डेवलपमेंट में मदद होता है द कैलस रूट्स एंड सुट सेपरेट्स इन टू टीनी प्लांटलेट्स और अब प्रत्येक इस कैलस में से हमारे को जो डेवलप कर गया टीनी प्लांटलेट्स में से जिसको कि रूट्स और दोनों है इन दिस वे मेनी टीनी प्लांटलेट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम जस्ट अ फ्यू ओरिजिनल प्लांट सेल्स और टिश्यू और इस तरह से हम कुछ ही प्लांट सेल या टिश्यू का उपयोग करके बहुत सारे बहुतायात मात्रा में आपको प्लांट तैयार कर लेते हैं द प्लांटलेट्स दस्ट प्रोड्यूस्ड आर ट्रांसप्लांटेड इन टू पॉट और

क्रिसमेंथम इटीसी अब इस टिश्यू कल्चर का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं बहुत सारे ऑर्नामेंटल प्लांट्स में जैसे कि ऑर्किड्स डालिया कैनेटियन क्रिसमेंथम, इन सब के डेवलपमेंट के लिए द प्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स बाय द मेथड ऑफ कल्चर इज आल्सो नोन एज प्रोपेगेशन और ये जो प्लांट्स जो हमारा कल्चर मेथड से जो डेवलप होता है इसे आल्सो कहते हैं हम लोग क्या प्रोपेगेशन ड्यू टू द एक्सट्रीमली स्मॉल अमाउंट ऑफ प्लांट मटेरियल एडवांटेज ऑफ टिश्यू कल्चर टिश्यू कल्चर का एडवांटेज फर्स्ट टिश्यू कल्चर इज ए वेरी फास्ट टेक्निक थाउजेंड्स ऑफ प्लांटलेट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड इन अ फ्यू वीक्स टाइम फ्रॉम ए स्मॉल अमाउंट ऑफ प्लांट टिश्यू सेकेंड द न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस्ड बाय टिश्यू कल्चर आर डिजीज फ्री अब इस टिश्यू कल्चर की मेथड से हम लोग बहुत तेजी से बहुत कुछ ही सप्ताह में हजारों हजार की संख्या में प्लांटलेट्स बहुत कम प्लेस में तैयार कर लेते हैं और जो प्लांट्स जो तैयार होता है टिश्यू कल्चर से वो डिजीज फ्री होता है एंड टिश्यू कल्चर कैन ग्रो प्लांट्स राउंड द ईयर और सालों इससे हम लोग प्लांट्स को ग्रो करा सकते हैं इरेस्पेक्टिव ऑफ वेदर और सीजन चाहे कोई वेदर हो या कोई भी सीजन हो और वेरी लिटिल स्पेस इज नीडेड फॉर डेवलपिंग न्यू प्लांट्स और बहुत कम स्पेस की जरूरत पड़ती है बाय द टिश्यू कल्चर इस टिश्यू कल्चर से प्लांट को ग्रो कराने के लिए क्लोन्स द न्यू ऑर्ग्रीन और ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस्ड बाय वन पेरेंट थ्रू अलटिकली आइडेंटिकल टू दयाशन के द्वारा जो प्रोड्यूस होता है वो क्या होते हैं वो पेरेंट के क्लोन्स होते हैं जस्ट लाइक सेम उसी के डुप्लीकेट कॉपी होते हैं द क्लोन्स पोजेसिजैक्ट कॉपी ऑफ द डीएनए और जींस ऑफ देयर पेरेंट एंड हे सो रिमार्केबल सिमिलरिटीज टू द पेरेंट एंड टू वन अनदर और ये क्लोन्स का जो कॉप डीएनए जो होता है या जीएनए जीन्स जो होता है वो पेरेंट के ठीक समान होता है इसलिए वो एग्जैक्ट कॉपी होते हैं लगभग एकदम समान ही होते हैं थोड़ा बहुत माइनर चेंजिंग होता है पेरेंट से दस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफ स्प्रिंग्स कॉल्ड क्लोन्स इसलिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो भी आपका ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं वो क्या होते हैं जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं इसलिए इन्हें क्लोन्स कहा जाता है फॉर एग्जांपल व्हेन ए पैरेंट हाइड्रा रिप्रोड्यूसेस बाय द सेक्सुअल मेथड ऑफ बडिंग द न्यू हाइड्रा और ऑफस्प्रिंग फॉर्मड आर क्लोन्स तो इस प्रकार से यदि हाइड्रा से एक नया आपका मेथड के के द्वारा के द्वारा एक नया हाइड्रा का जन्म जो होता है वो क्या होता है पेरेंट्स का क्लोन होता है विच आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट हाइड्रा एज वेल एज टू वन अनदर जो कि जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं एक दूसरे के